खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अलगाववादी नेता मसरत आलम समेत तीन आरोपियों को 10 दिन की एनआईए कस्टडी, टेरर फंडिंग और पत्थरबाजी केस में गिरफ्तारी हुई। मसरत आलम के साथ अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और आसिया अंद्राबी को एनआईए की कस्टडी में भेजा है। हरियाणा के चरखी दादरी में बीच सड़क पर जल गई कार, ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई जान। असम के सोनितपुर में सेना की गाड़ी पलटी, एक जवान की मौत, तीन घायल हुए। जोधपुर में ट्रैफिक को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, पथराव हुआ, गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस वाले भी घायल हुए। यूपी के मेरठ में आपसी विवाद में घर में घुसकर मारपीट, घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो वायरल। गुरुग्राम में फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 305 इमारतों को तोड़ा। बिहार के सारण में जमीन विवाद का झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, तीन पुलिस वाले घायल। गुजरात के दाहोद में परिवार को लूटकर भाग रहे दो लुटेरों को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। मेरठ में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने सरकारी डॉक्टर को पीटने की धमकी दी, वीडियो हुआ वायरल। राजस्थान के पाली गैंगरेप केस में चार आरोपी गिरफ्तार, मंदिर जाते हुए महिला को अगवा कर गैंगरेप किया था। वडोदरा में स्विमिंग पूल में महिलाओं का वीडियो बनाकर परेशान करने वाले सनकी को पुलिस ने पकड़ा। एमपी के देवास में मारपीट की धमकी मिलने के बाद पुलिस सुरक्षा में निकली एससी समुदाय के दूल्हे की बारात। बुलंदशहर में शौचालय में गांधी और अशोक चिन्ह वाली टाइल्स लगाने पर आज एक्शन, ग्राम विकास अधिकारी सस्पेंड। उत्तराखंड में नंदा देवी की चोटी पर ट्रैकिंग करने आए पांच विदेशी पर्वतारोही के शव मिले, दो की तलाश जारी। लक्षद्वीप के पास कोस्ट गार्ड के शिप ने मछुआरों की दो नाव को बांधकर तट तक पहुंचाया, 20 लोगों की जान खतरे में थी। बेंगलुरु में बारिश के लिए पूजा पाठ किया गया, 16 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। ओडिशा के कालाहांडी में तेज बारिश की वजह से फसल बर्बाद हुई। लाहौल स्पीति की चंद्रताल लेक से आई बर्फबारी की तस्वीरें, पर्वतों पर बर्फ का ताज सज गया। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालु जाम से परेशान, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लंबा जाम। यूपी के फिरोजाबाद में गर्मी की वजह से एक गाय की मौत, गौशाला में सुविधाएं ना मिलने से कई गाय बीमार। राजस्थान के प्रतापगढ़ के 27 पेड़ काटने के आरोप में चार आरोपियों को कोर्ट ने 270 पेड़ लगाने का आदेश दिया। बेंगलुरु में किसानों ने कपड़े उतारकर गर्मी में किया विरोध प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं किसान। विवादित धर्मगुरु राधे मां की पेशी का समन, मानहानि केस में कपूरथला कोर्ट ने दिया नोटिस। केरल में नीपा वायरस का फिर एक मामला सामने आया, पिछले साल नीपा वायरस से 17 लोगों की मौत हुई थी।